हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया में लगभग 20 से 30 हजार रुपए के बीच की जो क्रोमबुक्स है उनकी बाढ़ सी आ गई है। चाहे आप एसुस ले लीजिए, एचपी ले लीजिए, डेल ले लीजिए, लेनेवो ले लीजिए, सब जो है अपनी तरफ से 20 से 30 हजार रुपए के बीच का जो है क्रोमबुक उतार रहे हैं। रीजन सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि सस्ते से सस्ते बजट में जो है यहाँ पे लैपटॉप जैसा फील मिल जाए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आपको जो है बजट क्रोमबुक में एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। उतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट साइज की डिस्प्ले है। साथ ही में दोस्तों, आप लोगों को जो है यहाँ पे फिजिकल कीबोर्ड का फॉर्म फैक्टर देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, एक बजट लैपटॉप की तरह जो है एहसास यहाँ पर होता है। नाउ, इसकी जो मेन टारगेटेड ऑडियंस है दोस्तों, दैट इज फॉर द किड्स। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जैसे कि ईमेल हो गया, जूम कॉल्स हो गया, और भी दूसरी बेसिक एप्स जो होती हैं, इन सब काम को करने के लिए जो है आप लोगों को वर्ल्ड क्लास हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। तो जिस काम के लिए बना है दोस्तों, मुझे लगता है कि जो टारगेटेड सेगमेंट है उससे जो है काफी ज्यादा खुश है। एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी दीज कंपनीज लॉन्चिंग क्रोमबुक्स आफ्टर फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे दोस्तों, आज हम ऐसे ही क्रोमबुक के बारे में बात करने वाले हैं, आइडिया पैड फ्लेक्स 3i क्रोमबुक के बारे में। नाउ, ये क्रोमबुक दोस्तों स्पेशल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब बेसिक क्रोमबुक्स जो लॉन्च हुई थी पहले, अब जो है यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने भी जो है स्पेक्स अपग्रेडेशन लेना यहाँ पे चालू कर दिया है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक जो भी क्रोमबुक्स इंडिया में लॉन्च होती है उसके अंदर आपको जो है बेस स्टोरेज लगभग 64 GB देखने को मिलता है। पैड फ्लेक्स 3i क्रोमबुक में जो है आप लोगों को बेस स्टोरेज यहाँ पे 128 GB देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोगों को माइक्रो एसडी कार्ड भी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इन फ्यूचर यू कैन डेफिनेटली एक्सपेंड योर स्टोरेज। यहाँ पे रैम भी साथ में आप लोगों को जो है दोस्तों 4 GB की स्टैंडर्ड देखने को मिलती है। नाउ दोस्तों, अभी तक ये शिकायत हुआ करती थी क्रोमबुक से, इनके स्पीकर जो थे उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, और थे भी तो दोस्तों बॉटम फायरिंग थे। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, जो स्पीकर है कहीं ना कहीं फ्रंट फायरिंग यहाँ पे निकल कर आते हैं। साथ ही में दोस्तों, 2x2 वॉट के जो है स्पीकर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो साउंड शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं इसके चार्जिंग की। तो चार्जिंग इंटरफेस भी जो है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे जो है क्रोमबुक्स में वेरी सिंपल मिलेगा। यू गेस इट राइट, यहाँ पे जो है दोस्तों आप लोगों को टाइप सी चार्जिंग देखने को मिल जाएगी 45 वॉट आवर की। बात करते हैं दोस्तों वेट की। यूजुअली दोस्तों, क्रोमबुक्स जो है आप लोगों को थोड़ा लाइट वेट में ही देखने को मिलती है। द रीजन बीइंग इज फॉर्म फैक्टर। आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो है इनका जो साइज है 11 इंच से लेके जो है 13 इंच तक देखने को मिल जाता है। तो उस केस में यहाँ पे जो है इस वाले क्रोमबुक का वेट लगभग 1.2 केजी तक यहाँ पर निकल कर आता है। एनीवे फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कुछ बजट क्रोमबुक्स के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां पे जाके उन्हें चेकआउट कर सकते। ये सब तो हो गई दोस्तों अच्छी अच्छी बातें। उसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं, दैट इज 360 डिग्री फॉर्म फैक्टर। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, पूरा का पूरा जो है ये वाला क्रोमबुक टिल्ट हो गया है। साथ ही में आप लोगों को जो है रग्ड चैसिस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इन एनी केस अगर थोड़ा बहुत गिरता भी है तो यहाँ पे चल जाएगा। साथ ही में दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे टच इंटरफेस देखने को मिलता है। नाउ एवरीथिंग इज ग्रीन सो फार, लेकिन उतनी सारी चीजें जो है ग्रीन यहाँ पे नहीं है। What you are missing here is the backlit keyboard. तो basic चीजें हैं, I think कहीं ना कहीं companies को जो है अब ये basically include करना ही चाहिए। Backlit keyboard यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पे कोई fingerprint sensor भी नहीं है, और box में जो है आप लोगों को कोई pen included भी देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ और technical specifications की। As of now दोस्तों, एक ही model यहाँ पे आया हुआ है। इसके अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे तो इट सीम्स इसका एक हायर एंड वेरिएंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन वो जो है इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। तो ये वाला जो वेरिएंट है दोस्तों, 4 GB रैम के साथ में आता है, लेकिन हायर एंड कॉन्फ़िगरेशन जो है आप लोगों को 8 GB रैम के साथ में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पोर्ट सिचुएशन की बात करो तो दोस्तों, आप लोगों को जो यहाँ पे टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है वो चार्जिंग सपोर्ट करता ही है। इट इज टाइप सी 3.2 जेन1 पोर्ट। दो टाइप देखने को मिलते हैं दोस्तों पोर्ट, दैट इज 3.2 जेन 1 और एक HDMI पोर्ट 1.4 देखने को मिलता है। एक माइक्रो एसडी कार्ड रीडर है, एक ऑडियो जैक आप लोगों को यहां पे देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों इसके सॉफ्टवेयर्स की। तो आप जो है यहां पे पूरे की पूरी एंड्रॉइड एप्स जो है यहां पे दोस्तों फुल फ्लेज्ड अच्छे से चला सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा एडवांटेज निकल कर आता है। आप में से कई सारे लोग दोस्तों ऐसी एप्स का यूज करते होंगे, आप चाहते होंगे कि बड़े फॉर्म फैक्टर पे हो, तो इन दैट केस इट्स वेरी गुड टू सी दैट कि यहाँ पे जो है एंड्रॉइड एप्स पूरी आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। नाउ थोड़ा बहुत जो है दोस्तों आप लोगों को हार्डवेयर जो है मैं कहूंगा कि कमजोर देखने को मिलेगा व्हेन यू कंपेयर इट विद विंडोज लैपटॉप,
लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्रोम ओएस जो होता है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट ओएस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो दैट इज वाई की कंपनी जो है क्रोम ओएस प्रिफर कर रही है इस प्राइस रेंज पे, बिकॉज हार्डवेयर थोड़ा अगर ये लोग ढीला ढाला भी देते हैं तो उसके ऊपर भी क्रोम ओएस जो है आराम से फैंटास्टिकली वर्क कर पाएगा।